अग्युक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ जो किसी प्रीचे के मोहताज नहीं है, पोल्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट, आप पहले भी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, और जो परफॉर्मेंस की नहीं डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जो बैलेंस शीट की बात करते हैं, बार बार किसान भाइयों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो हमारे साथ आज मुंबई से ओंकार सिंह बत्रा जी एक बार जुड़ चुके हैं, और पहले भी सीरीज में आप देख चुके हैं जो बत्रा जी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि भी किन किन चीजों का ध्यान करना चाहिए पोल्ट्री बिजनेस में। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी तो सर मैं चाहूंगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रॉयलर में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेके आई जाए, और आज के जो हालात हैं उनको आप कैसे देखते हैं। यहां से ना जाते हुए आपको बाएं से दाएं ना जाते हुए आपको दाएं से बाएं अगर आएंगे तो ये इसका तो आपको डिफरेंस पक्का मींस पक्का मिलेगा। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं जिनका एवरेज सेल्स प्राइस का डिफरेंस मेरे से 11 रुपए कम है। वो सिर्फ इसके लिए कि उनके पास जुलाई और अगस्त महीने में बहुत ज्यादा मटेरियल था, जबकि मेरे डेटा बैंक के हिसाब से पिछले 7 साल में आपको जुलाई और अगस्त महीने में सबसे कम ब्रॉयलर प्राइस मिला है, सबसे कम मिला है। लेकिन अब पता नहीं उनका क्या हिसाब था या क्या था। प्रॉब्लम यह हो गया कि माल उनका बिक नहीं रहा था, माल बड़ा होते गया बड़ा होते गया बड़ा होते गया, और बड़ा होने के बाद उनको प्राइस कम मिलता गया। सवाल यह है कि आपके पास, आपके बिजनेस में कहीं भी जाओ, आपके पास फायर विंडो तो होना चाहिए ना। अगर कहीं फंस गए तो वहां से बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आप नहीं गए तो तकलीफ तो आप ही को होने वाली है। सो अगर हम टोटल देखें तो 8 रुपए से लेकर 47 रुपए किलो, 50 रुपए इसलिए लिखा हुआ है कि जो आदमी अपना माल खुद बेचता है ड्रेस वगैरह करके, उसको मतलब उसका 3 रुपए का डिफरेंस और है। तो 8 रुपए से लेकर 47 रुपए किलो तक जो है वो आपका डिफरेंस है। अजय जी, अगर ये देख के अगर आदमी के 2 रुपए भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गए ना, अजय जी ये बातें लाखों और करोड़ों रुपए में चली जाएगी महीने के हिसाब से। जी सर, ये इन बातों पे डिस्कशन होना पड़ेगा, बातों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी पड़ेगी, इन बातों के डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास आपका डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलो हाँ जी मेरी कॉस्ट तो 15 रुपए होगी, नहीं, मुझे चाहिए आपकी कॉस्ट 15 रुपए है कि 14 रुपए 47 पैसे है, क्योंकि 8 आने का फर्क एक 1 लाख रुपए वाले आदमी के लिए तकरीबन साल का 6 लाख रुपया हो जाएगा। तो मतलब कहीं ऐसा ना हो लड्डू छोटा हो जाए या लड्डू बड़ा हो जाए। जी मेरे हिसाब से फैक्टर्स अफेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये दो चीजें हैं। ये ऊपर का जो है ये है स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसेस और ये है स्ट्रैटेजाइजिंग द प्रोसेस। ये एक मेरी बहुत दिल के करीब वाली स्लाइड है, पता नहीं इसको लोग कितना क्या समझ पाएंगे। इसको समझाने के लिए माफ कीजिएगा सारा दिन लग जाएगा, बट एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल है। इसमें जस्ट एक फिगर्स दिए हुए हैं कि ये देखो यहाँ पर ये यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है कि ये कितना इम्पैक्ट करता है और ये इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कितना कितना है, ये एक प्लस साइन से बताया गया है। मतलब ये इसके ऊपर तो बहुत बड़ी चर्चा है, इसके पीछे कम से कम और 30 स्लाइड है इसको समझाने के लिए, एक जस्ट एक दर्शक को बताने के लिए, जो जिसका फायदा ले जाए ये उसकी इश्यू है। जी परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक मतलब स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए उसका इम्पैक्ट आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ये उस बारे में है। मतलब ये मेरे हिसाब से है, आप उसको नोट कर लें, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसको कहाँ इस्तेमाल करना है आप उसको वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपके स्टैंडर्डाइजिंग के लिए। अगर आप स्टैंडर्डाइज करेंगे तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा और किस तरह से, ये नीचे लिया लिया लिखा हुआ है, ये स्केल दिए गए हैं कि मतलब इसको कैसा, ये मतलब ये 1 2 3 4 घंटे वाली बात नहीं है, ये सारा दिन वाली बातें हैं कि इसको किस तरह से हम उसको अपनी प्रैक्टिस में ला के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं ये फैक्टर लेता हूं एवरेज सेल्स प्राइस से, ये आपका एवरेज सेल्स प्राइस जो है वो किस तरह से, आपको क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके एवरेज सेल्स प्राइस को इंप्रूव करेंगे।
इसके ऊपर भी बात करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बट आप इसको समझ लें। ये प्लेसमेंट ऑफ चिक्स से समझ पड़ेगा, प्लेसमेंट ऑफ चिक्स कब करना है आपको, ये आपकी समझ होनी चाहिए। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्या बॉडी वेट चाहिए, आपको क्वालिटी का चिकन का क्या चाहिए, आपके ट्रेडर किस टाइप के हैं, आपके अगर आउटलेट हैं क्या कॉम्बिनेशन है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए जैसे मैंने यहां बताया है, ये होमवर्क होना बहुत जरूरी है। जैसे ये एक छोटी सी स्लाइड है जो मैंने ही बनाई थी हमारी एसोसिएशन के लिए, 2013 से लेकर 2019 तक का डेटा है, इसके अंदर आपको दिखाई देगा ये वो फेस्टिवल्स हैं जो तकरीबन हिंदुस्तान के, मेरे को लगता है तीसरे के कैलेंडर ईयर के तीसरे क्वार्टर में ये सब फेस्टिवल्स आते हैं। गणेश फेस्टिवल हुआ, श्रावण हुआ, फिर वो आषाढ़ी हो गया, नवरात्रि हो गया, आपको दिखाई देगा देखो सब जगह लाल लाल है। जब आपको पता है कि इस दरमियान आपको प्राइस नहीं मिलता तो आप कैपेसिटी कम कर देना। देखिए अभी इसके अंदर वो स्लाइड शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है, है मेरे आप मेरे मैं आपको एक और स्लाइड बताता हूँ। ये प्लेसमेंट्स के बेनिफिट्स हैं, आप आपके हिसाब से उसको आप यूज करें कि मतलब कैसे कैसे प्लेसमेंट में आपको कितना परसेंट आपको महीने में प्लेसमेंट करना है, कितना नहीं करना है। मेरे हिसाब से आपने 70% तो प्लेसमेंट हर महीने करना चाहिए, 30% और 20% जो है ये आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर होंगे। ये फीड फॉर्मुलेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसके ऊपर है। मैं एक ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपको कब स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो आपको प्रॉफिट लाके देगा, ये उसके ऊपर है। ये देखो ये प्राइजेस हैं रॉ मटेरियल के, शायद ये मेज के प्राइजेस हैं, ये देखो कैसे कैसे मेज के प्राइस ऊपर जाते हैं। ये क्वार्टर बेसिस के ऊपर है, ये 14-15 से 20-21 तक के प्राइसेस हैं। ये सोयाबीन के प्राइसेस हैं, ये देखो कैसे कैसे सोयाबीन के प्राइसेस कहां कहां से कैसे कैसे पहुंच गए। आप देखो कहां कहां से निकल के आज क्या प्राइसेस हो गए हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैसे जाएगी। ये आपके फीड कॉस्ट है, मतलब आपका फीड कॉस्ट जो है, अच्छा सॉरी, ये है आपका क्रेडिट का। अगर आप माल क्रेडिट में लेते हैं, अगर आपका खुद का कैपिटल होगा, अगर आप 2 दिन के उधार पे माल लेते हैं, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपकी फीड कॉस्ट 35 रुपए है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 82 पैसे कम हो जाता है। आप देख रहे हैं 9% से प्राइस लेते हैं तो आपका 41 पैसे, मतलब आपको पेमेंट कैश करनी है, 2 दिन में करनी है, बैंक से लोन लेके उसका इंटरेस्ट चुका के वो 82 पैसा आपका 41 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 1 महीने का उधार लेते हैं तो आपका प्रोडक्शन, आपका फीड का प्रोडक्शन कॉस्ट 41 पैसा हो जाएगा। ये है आजकल का ट्रेंड हिंदुस्तान का, जो लोग 90 से लेकर 120 दिन तक का पैसा देते हैं, जिसमें मैंने इंटरेस्ट रेट बड़ी प्यार से 18% और 19% दिया है, जबकि 24% या 30% के नीचे कोई चार्ज नहीं करता। ये है अजय जी, 3.5 रुपये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया अगर आपने उधार में माल लिया जी। लेग्स में आपका 8 पैसे अंडे का कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर आपने उधार में माल लिया। ये कैलकुलेशन अगर आपके पास नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप जी पाएंगे। मुझे बताएं, जिस धंधे में 2 रुपया किलो मुनाफा नहीं है, वहां पर आपने 3.5-4 रुपये अगर आपने उधार लेके गवा दिए, तो अजय जी भैंस तो गई पानी में जी। एक आपको डायरेक्टिव चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, आप आपका होमवर्क खुद करें और आप खुद इस नतीजे पे पहुंचे। आपका होमवर्क खुद करें और खुद नतीजे पे पहुंचे। अल्टीमेटली अजय जी घुमा फिरा के आपको SOP से काम करना पड़ेगा परफॉर्मेंस लाने के लिए। और वो SOP से क्या होता है ना, आपका इंजीनियर्ड अप्रोच हो जाता है, जिसमें आपको जैसे 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 एक मशीन चलती है, मशीन 1200 RPM में चलेगी तो वो 100 पीस बनाएगी, 1 घंटे में 100 पीस बनाएगी। अगर आपकी मशीन सही है, अगर आपका इनपुट सही है, आपको 100 ही मिलेगा, आपको 98 नहीं मिलेगा, आपको 102 नहीं मिलेगा। उसी तरह से SOP से काम करेंगे तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिलेगा। जो मैंने ऊपर जो स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई है वो पार्ट ऑफ SOP है। ये एक मतलब ये है कि ओनर का विजन क्या होना चाहिए, ओनर के
जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कैसे हैं। अल्टीमेटली मेरा यही है साहब, हमारा जो धंधा है वो साहब ये धंधा है, हम क्या था ना, वो अंधे राजा के पास एक संजय ही है, ये हमारा धंधा है। जी हमारा मैनेजर जो बोल रहा है हम उसी को मान रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बाद में आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए, हमारा धंधा जो है ना उसकी ये रियलिटी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये आपका टेक होम मैसेज है, ये आप समझ लें कि अगर आपने इसके ऊपर अगर आपने काम नहीं किया तो सर आपकी तो मतलब ये भैंस गई पानी में। इसके लिए आप आपका होमवर्क जो है, अब आप ये देखें, ये एक थोड़ी सी समझाने वाली, अब टाइम कम होता है, ये देखो अगर हम इस स्लाइड को देखें, पोल्ट्री इंडस्ट्री में माल कैसे बिकता था और प्रॉफिट पहले कैसे आता था, ये देखो, ये है 2000 से लेकर 2017 तक। हम क्या करते थे, माल बेचते थे, ये देखो चिप कॉस्ट आ गया, फीड कॉस्ट आ गया, और सेल कॉस्ट जब बिका, दिस प्लस दिस माइनस सेल्स कॉस्ट, ये हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। ये हमारा ये 2002 से 2017 तक का ये मॉडल है। लेकिन 2010 में क्या हो गया, हम चिक से हम क्या आ गए, हैचिंग एक्स में आ गए। हैचिंग एक्स के बाद में फिर हम चिक कॉस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। 2017 में क्या आ गया, 2017 में खुद के हैचिंग एक्स आ गए, बाजार से भी खरीदते हैं और खुद के भी आ गए। अब आप देखो मॉडल कितना बदली हो गया, यहां पर सिर्फ चिक्स था, यहां पर हैचिंग एक्स परचेस किया, यहां पर हमने ब्रीडर डाल के खुद के भी हैचिंग एक्स हमने लेने शुरू कर दिए। और अब क्या हाल हो गया है, अब ये हाल हो गया है हर चीज में, नंबर ऑफ हैचिंग एग्स इन 68 वीक्स ये काउंट होना शुरू हो गया। हैच एंड हैचिंग और हैच क्वालिटी जो आपने हैचिंग की है उसका, चिक्स की क्वालिटी, फीड एट व्हाट प्राइस, मेडिसिन व्हाट प्राइस, एडमिन कॉस्ट व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस, टोटल कॉस्ट और सेल प्राइस में, ये देखो साइज, सेल्स रेट, लीन पीरियड और पीक पीरियड, ये सब इसके साथ में, ये सब होने के बाद में आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस आने लग गया। लेकिन अगर आप छोटा फार्मर देखें ना, तो वो अभी भी यहीं अटका हुआ है और इंडस्ट्री यहां चली गई है। तो मुझे जी लगता है कि ये बातें उसको समझने की बहुत जरूरत है कि आपको यहां से यहां जाना होगा, वरना फिर आपको इस इंडस्ट्री से जाना होगा। जी मतलब इन राइट मूव एट राइट टाइम, दैट इज द मैसेज। एफिशिएंसी एट ऑल जंक्शंस आर मेजर्ड एंड अटेंडेड, सभी जगह के प्रॉफिटेबिलिटी को मिला जुला के ही इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा है। जी केजी सोल्ड, ये तीन जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ब्रीडर के, हैचिंग एग्स बायर और चिक्स बायर, ये उनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि किस तरह से ब्रीडर वाला पैसे कमा रहा है एट एक्स प्राइस, और किस तरह से चिक्स वाला अपने पैसे गवा रहा है एट एक्स प्राइस। ये होमवर्क है, आपको करना होगा, जी उसमें से होमवर्क है। ये आपकी परफॉर्मेंस कौन कौन से मैटर में करती है और उसको किस तरह से उसको अटेन करना है। अल्टीमेटली हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट जो हमारी चर्चा हो रही है, प्लान ऑफ एक्शन, ये आज ये हमारा करंट स्टाइल, आज हम ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, जी ये हमको सिस्टमेटिक स्टाइल अपनाने के बाद में हमको एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन में काम करना होगा। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि चार पैसे कमाने हैं, और वो चार पैसे जी कमाने के जो तरीके हैं वो अपनाने होंगे, ना कि जो हम जानते हैं। जी आप जो जानते हो वो नहीं है, जो चाहिए वो आपको लाना होगा। जी बिल्कुल प्राइस है 7 साल के, हर साल के सब लिखे हुए हैं, और साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया हुआ है कि कहां कहां पर कैसे कैसे प्राइसेस लाल में है कि पीले में है कि नीले में है, ये भी आपको हर चीज का आपको अंदाजा, ये जस्ट जो मैं बात कर रहा था ना, आपके पास एस्केप विंडो होना चाहिए। मतलब कहीं कुछ तभी अगर आपको प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास सीढ़ी और खिड़की मौजूद होनी चाहिए आपको बाहर निकलने के लिए। ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, छोटों के पास है, बड़ों के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, या
जैसे बर्ड फ्लू था, जैसे कोरोना था, जैसे लो सेल्स प्राइस था, रॉ मटेरियल के प्राइसेस के क्राइसिस हो गए, अदर क्राइसिस, अगर आप हुए तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं तो मर जाएंगे आप। ये आपके पास विंडो, एस्केप विंडो, जिसको मैं बोलता हूं एस्केप विंडो, ये होना चाहिए। ये सीढ़ी का मतलब आपके पास टूल्स होने चाहिए कि उस टूल से आप इस घेरे में ना आते हुए आप बाहर निकल सके, वरना आपके पास, मतलब जो आज की तारीख में मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है, वरना आपके पास कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच होना चाहिए। वो सुरक्षा कवच आपके हिसाब से, आपके मॉडल के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपके पास है तो फिर तो साहब आपके बल्ले बल्ले। अगर आपके पास, जैसे मैं एक फार्मर को जानता हूं मैंगलोर में, उसका खुद का ड्रेसिंग यूनिट है, छोटा सा काम है, छोटा सा काम मतलब वो छोटा सा बोलता है, बट 7-8 लाख बर्ड पर मंथ डालता है। उसका मेरे हिसाब से 80% माल खुद का बिकता है, जी और वो भी कोल्ड स्टोरेज में रख देता है, जो शायद आने वाले 6 महीने में या 4 महीने के बाद बिकेगा, लेकिन उसको लॉस नहीं होता है। उसने अपने लिए विंडो बना के रखी हुई है, पास नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। जी सर बिल्कुल। हम दर्शकों को, अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम बत्रा जी से फिर एक बार अनुरोध करेंगे आप सबके साथ एक बार जुड़ के फिर उन सवालों का जवाब दे और उसको थोड़ा क्लियरिटी करे। तो अब पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ सर जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनी टाइम।